बड़े जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, मतलब चाहे भगत सिंह के नारे हो, चाहे इंकलाब के नारे, और कुछ और भाई भी हैं जो बड़े जोश के साथ पूरा मतलब तय दिल तय आंदोलन में जुड़े हुए। इनसे पूछें भाई, राम राम। राम राम भाई। के नाम भाई? मैं जलजीत थुराना नाम है मेरा, थुराना गाँव है, और मैं बीमार में संगठन से जुड़े हुआ हूँ। देखो, ये किसी संगठन का, ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं है, बिल्कुल न किसी पार्टी का है, ये आंदोलन है किसान आंदोलन। और जो सत्ता में जो बैठे लोग, बीजेपी के आरएसएस के लोग, इसको रंग दे रहे हैं, कभी पंजाब का आंदोलन, कभी किसी पार्टी का या किसी संगठन का आंदोलन। सबसे पहले तो मैं उनके मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ इस बात के द्वारा कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन है। दूसरी बात, ये आंदोलन न तो पंजाब का है न हरियाणा का, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का ये आंदोलन है। और ये जो सरकार चाह रही है कि कृषि का प्राइवेटाइजेशन करके जो है कंपनियां बैठा के हमारे खेतों के ऊपर, ये हमारे को गुलाम बनाने की साजिश है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या कह रहे कि किसान अनसमझ है, समझ नहीं पाए। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं मजदूर का बेटा हूँ, और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। क्या वो मेरे से ज़्यादा कानून जानते हैं? वो आठवीं फैल लोग संसद में बैठे हैं, क्या वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्या पढ़ाई के बारे में? वो मेरे से ज़्यादा कानून के बारे में जानते हैं? मुरो लोग, हमारी मूर्खता है कि हमने एक बदलाव के चाव में आके न, एक बदलाव की उमंग में भर के न, इन लोगों को जितवा था कि ये लोग अच्छा करेंगे। हमने पता नहीं था कि ये किसानों की और मजदूरों के पेट पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। चुनाव फिर होगा, फिर अगाड़ी पिछाड़ी दिखाएंगे इन लोगों को हम। और ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, कृषि बिल वापिस नहीं होगा। बहुत गए ऐसे ऐसे जो जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं ना, सैकड़ों लोग उस कुर्सी के दौर से गुजरे हैं और सब चले गए, अमित शाह भी इसी तरह चले जाएंगे। और ये किसान, ये मजदूर इस देश का जो है जिंदा रहेगा, और इसी तरह पूरे देश का पेट भरता रहेगा। लग गया मेहनत रंग लिया, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। हमारे बुजुर्गों की जो नीली हरी पगड़ी दिख रही है ना, हम इनके सम्मान के लिए खड़े हैं। अगर खून भी बहाना पड़ा, बलिदान भी देना पड़ा, तो ये इनके जो है बच्चे, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम बलिदान देंगे, और किसान की जो खेती को गुलाम होने से बचाएंगे हम। हमारे को दर्द है क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, इसलिए दर्द है। वो जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सांसद बन के, विधायक बन के, जो बड़े बड़े एसी वाले घरों में रहते हैं, उनको खेती के बारे में पता नहीं है कि भी किसानी क्या चीज़ है, मजदूरी क्या चीज़ है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि आओ आप एक महीने खेतों में काम करके देखो, और फिर जानना बारीकी से खेती को। वहाँ से क्या खेती की बात करते हो आप, क्या किसानी की बात करते हो आप? और नरेंद्र मोदी जी, कोई चाय नहीं बेची इसने, ये एक षड्यंत्र था जिस षड्यंत्र को पूरे देश को हाईजैक कर लिया था, जिस षड्यंत्र को चलाने वाले अन्ना हजारे थे। कई लोग कह रहे हैं कि आंदोलन अन्ना हजारे वाला, अरे अन्ना हजारे वाले आंदोलन को थूकते हैं हम कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए आंदोलन किया। उन्होंने, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आंदोलन था। लेकिन जो ये हमारा किसान आंदोलन है ना, यो किसान वर्ग को बचाने का आंदोलन है। ये हमारा अन्ना के आंदोलन से मत जोड़ो इस आंदोलन को, और ये अन्ना के आंदोलन से हजारों गुना बड़ा आंदोलन है ये, और ये रंग लाएगा। आप भी यही हो और हम भी यही हैं कि किसान की जो खेती बचेगी और फिर खुशहाली आएगी, और वो लोग यहाँ से सत्ता से छूमंतर हो जाएंगे। 90 MLA की बात करा, 10 MP की बात करा, 100 जने हो गए। इनमें तो कोई किसान का बेटा नहीं है जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है, या इन तो मतलब मिलने नहीं आ रहे थे। किसान का बेटा है, लेकिन बात जद का अगर ना भाई फॉर्चुनर गाड़ी दे दे रही, एसी में बैठा दे, तो ये अपनी औकात भूलते हैं। दुष्यंत चौटाला ने देख लो, के दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने चुनाव के समय पे एक बयान दिया था कि सर छोटू राम जो है ये अंग्रेजों के वो थे, मुखबिर थे, चमचे थे, ऐसे छोटू राम किसान नेता थे, किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। तू क्या जानता है किसानों के बारे में? एक दिन ट्रैक्टर लेके सांसद क्या पहुंच गया, तू किसानों का मसीहा बन गया। दुष्यंत चौटाला, चुनाव होगा और फिर आना तुम हमारी गली कूचों में, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे संगठन अगर दौड़ाए नहीं तो हम भी किसान के बेटे नहीं। चलिए भाई, आपने देख लिया रिया, तो बात सच्ची है, आपने पता है, स्पष्ट बात कहना मापा कर आग रहा इस चीज़ का। तो आप कहें अगर सीधी सीधी बात, उनसे कुर्सी पर बैठे नहीं, उन्होंने उन्हें बेरा होंगे किला की लंबाई चौड़ाई के कसी चलाना, तो बहुत बड़ी बात हो है। इस भाई की बात सच्ची है, इस भाई की बात में दम भी है, लेकिन आने वाला, हाँ बिल्कुल, दर्द तो है, दर्द तो उनका आग रहा नहीं भाई, भीतर का जो दर्द है नहीं, वो अपने चेहरे पर साफ दिख जाग रहा है। और इन भाइयों का जोश रोष और जो इनका होश है, वो जरूर रंग लेके आओगा, और शायद जो ये आंदोलन चल रहा है, सरकार ने झुकने पर मजबूर करेगा। और ये जो
ये सत्ता में लोग आरएसएस और बीजेपी वाले इस आंदोलन को क्या कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को जो है खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, हम इनकलाब के नारे लगाते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है देश में हमारे ऊपर, हम खुद पे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमने ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया सत्ता में जो ठीक मर गलत में फैसला ही नहीं कर पाते। इस देश का मुसलमान अपने अधिकारों की बात करेगा ना तो आतंकवादी कल आएगा, किसान अधिकारों की बात करेगा खालिस्तानी कल आएगा, दलित अधिकारों की बात करेगा तो नक्सली कल आएगा। और भाजपा वाले सबसे बड़े देशभक्त हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। एक भी किसी ऐसे शख्स का नाम बता दो आरएसएस के जिसने आज़ादी में योगदान दिया हो, एक बंदे भी नहीं, कोई नहीं था आरएसएस का, ऐसा कोई नहीं था जिसने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया हो। आरएसएस ने जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करी है, ये अंग्रेजों के चमचे हुए हैं और सबसे बड़े मुखबिर हुए हैं ये अंग्रेजों के, जिनके कारण हमारे बड़े बड़े शहीद सैनिक जो है हमारे बड़े बड़े योद्धा शहीद हो गए आरएसएस की बदौलत हुए। इन्होंने मुखबिरी की हमारे लोगों की कि वहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ पे बैठा है, अंग्रेजों ने वहाँ जाके ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी को जो है घेर के ढेर कर दिया, वरना हमारे को आज़ादी 47 से पहले ही मिल जानी थी अगर आरएसएस और ये लोग नहीं होते तो। इन्होंने मुखबरी करके हमारे लोगों को जो है कमजोर कर दिया, और आज भी आज इस किसान आंदोलन को भी वो कमजोर करना चाह रहे हैं। वो कैसे कमजोर करना चाह रहे हैं, वो इस आंदोलन को खालिस्तानी बताते हैं, वो इस आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बताते हैं। मैं थप्पड़ मारता हूँ उनके मुंह पे इस बात के द्वारा कि ये आंदोलन न खालिस्तानी है न पंजाब का, मैं हरियाणा से हूँ और मेरे बुजुर्गों के सम्मान के लिए खड़ा हूँ। इस आंदोलन में पूरे देश के किसान और मजदूर और हमें जो है ये काले कानून जो है रद्द करवा के रहेंगे, और मोदी साहब को जितना घमंड है ना ये वापिस लेने पड़ेंगे, वापिस लेने पड़ेंगे। भाई एक मिनट, तो आपने देख लिया इन भाइयों का जो जोश है पूरा, मतलब उनको आ रहा है किसान आंदोलन में युवा की अगर आप बात करें, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक देखी है, इसमें छोटा 10 साल का बालक तले का 70 साल के बुजुर्ग आपने देखे हैं जो रहता ना रोडा पर भी सोए हैं, बड़ी मतलब सारी परेशानी झेल गए, इस ठंड में पानी की बोछारा ने भी झेल कर, आंसू गैस के गोलियां ने झेल कर, अपनी पढ़ाई छोड़ कर अपना करियर अपनी ज़िंदगी सबकी मैदाओं पर लगा कर आज वो बॉर्डर पर पहुँचे हैं। तो भाई इन भाइयों का जो जोश है, जितने घर पब्लिक बैठी है जितने किसान बैठे उन्हें भी जगाओ और उन्हें यह चीज़ दिखाओ, नया वीडियो दिखाओ के किसान आंदोलन में चल। एक बात और, सिर्फ एक और छोटी सी बात ये है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो दिखा रहा है भाई प्रोपगंडा। मैं तो जो आपके व्यूअर से यही प्रार्थना करूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद करो, और ये जो आपके चैनल है सोशल मीडिया के चैनल ये धरातल पे दिखाते हैं, इनको देखो इनकलाब जिंदाबाद। चलो बहुत बढ़िया भाई, भाई ने जो बात कही भाई अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो, और लेकिन किसानों की जो आवाज़ उसने बुलंद करने खातर उसने उठाने खातर ये वीडियो शेयर करते रहो, घर जितने किसान बैठे उन्हें दिखाओ नज़ारा के बॉर्डर पर चल रहा है, ताकि वह भी ये चीज़ देख कर पूरा आंदोलन में शामिल हों, और किसानों का जो हक की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में ये योगदान दे और उन्हें अपना हक मिले। जय जवान जय किसान।